So कहीं ना कहीं आप इन सब चीजों के बारे में सुन रहे हैं बट तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, कि क्या, में हो गया है तो सबसे पहले अगर हम बात करें थोड़े दिन पहले आपके पास जो है सीयूटी के द्वारा एन टी ए के द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था जिसमें ये चीज बोली गई की आपका जो एग्जामिनेशन है इस बार ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जा सकता है हाईब्रिड मोड में कंडक्ट करवाया जा सकता है फिर थोड़े दिन पहले बेटा ये डेटशीट रिलीज की गई फिफ्टींथ एंड सिक्सटींथ मई को जो साइंस वाले बच्चे हैं वो तो बहुत ही इस टाइम पर बेटा परेशान है है ना एकदम उनकी हालत जो है वो टाइट हो रखी है बिकॉज दो दिन के अंदर अंदर सारे जो पेपर हैं उनके वाइंड अप हो रहे हैं और अगर आप ध्यान से देखें ना यार तो इस बार की ये जो डेट शीट है इसमें एक बहुत मेजर चीज है दो दिन में आपके जितने मेजर सब्जेक्ट हैं वो कवर हो रहे हैं इवन कि अगर हम दोपहर वाले स्लॉट्स की बात करें जिस टाइम पर इंसान का जो दिमाग होता है बेटा वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होता हमें पता है कि एकदम गर्मियों वाला मौसम चल रहा है और इस टाइम पर आपका जो दिमाग होता है वो दोपहर वाले टाइम पर एकदम सुस्ती वाला माहौल होता है ना आपका सोने का मन करता है आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगता तो उस टाइम पर भी आपका जो पेपर है वो रखा गया है चाहे हम इंग्लिश की बात करें उसके बाद हम शाम को बात करें तो जनरल टेस्ट का आपका पेपर रखा गया है एंड अगर हम सोलह तारीख की बात कर रहे हैं 16th की बात करें तो बेटा आपका जो जो फिजिक्स का पेपर है 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 वो बिल्कुल peak, जो है वो बिल्कुल पीक वाली शिफ्ट में आ रहा है, is, 3 4 वाली शिफ्ट में. नहीं इस टाइम ड्यूरेशन स्पेसिफिकली तीन से चार बजे तक मैं बोलूंगी जितने पेपर यहां पर प्रैक्टिस नहीं किया तो बेटा दाल गलेगी नहीं सो यहां पर मेजरली आपको इस शेड्यूल uh, के हिसाब से बेटा आई ओपनिंग थिंग मैं बताने वाली हूँ कि आप यहाँ पर इस शेड्यूल के हिसाब से अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं लगाएंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं हो सकता है और यहाँ पे एनटीए ने थोड़े दिन पहले uh, इसके बारे में बेटा बात भी करी थी कि इस बार जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं काफी सारे 15 सब्जेक्ट्स जो कि मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनका जो पेपर है वो कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा एंड सबसे बड़ा जो इस बार का चेंज आया है कि नॉर्मलाइजेशन को हटा दिया गया है पहले डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में पेपर होते थे है ना डिफरेंट डिफरेंट अः आज किसी का इंग्लिश का पेपर कल किसी का इंग्लिश का पेपर तो ओवरऑल बेटा नॉर्मलाइजेशन किया जाता था स्कोर्स का तो उसके कारण काफी सारे बच्चों को सफर करना पड़ता था बट अब जो नॉर्मलाइजेशन है बेटा उसको हटा दिया गया है अनलाइक प्रीवियस ईयर नॉर्मलाइजेशन इस बार नहीं होगा क्योंकि एक सिंगल शिफ्ट में जो आपका पेपर है वो कंडक्ट करवाया जाएगा एंड बेटा आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कि आप पेन लेकर जा सकते हैं या नहीं तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया भी है मैं फिर से एक बार बता देती हूँ आपको दैट आप किन किन चीजों को बेटा लेकर जा सकते हैं और कौन कौन सी चीजें अलाउड नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको नॉट अलाउड आइटम्स ऑलरेडी बता चुकी थी कि आपको फुल स्लीव नहीं डालना शूज हील्स इवन की आपको बेल्ट भी नहीं डालने हैं बेटा है ना आपको ऑर्नामेंट्स नहीं डालने हैं कोई कंगन नहीं डालने हैं चूड़िया नहीं डालनी है इयर नहीं डालने हैं नोज पेंट नहीं डालने हैं आपके रिलीजियस बिलीव्स के बेटा कोई आपने मॉली डाल रखा है जैसे मैम ने मॉली डाल रखा है तो बेटा कई सेंटर्स में इसको भी रिमूव करवा देते हैं यस एंड गर्ल्स के लिए भी स्पेसिफिकली मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया था प्लीज फॉलो दीज एंड अगर इसके अलावा बेटा आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं बट आपके लिए ये बहुत जरूरी है जानना कि इस टाइम पर बेटा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है और प्रैक्टिस के लिए अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ने इस बार भारी छूट दे दी है भाई जितने कोर्सेज हैं जितनी टेस्ट सीरीज हैं, सब पर आपको 50 प्रतिशत तक का ऑफ मिल गया है अगर हम एस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की बात करें बेटा इससे बेटर टेस्ट सीरीज आपको मिल ही नहीं सकती है

है ना डोमेन सब्जेक्ट्स के पांच पांच हम दे ही रहे हैं चाहे इंग्लिश हो चाहे जीटी हो सबके पांच पांच ऑफलाइन टेस्ट आपको मिल रहे हैं ओ एमआर शीट आपको मिल रही है ऑनलाइन टेस्ट बेटा बीस बीस ऑनलाइन टेस्ट भी हम आपको साथ में दे रहे हैं ताकि आप इन तीन दिन में जब तक आपके पास किट पहुंचेगी आप प्रैक्टिस कर सके और साथ ही साथ आपको पीवाईपी पी बुक्स भी मिल रही होंगी और उसमें भी दस 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 सेट बेटा डोमेन्स के बेटा आपके पास मॉक टेस्ट के हैं और इंग्लिश और जीटी के पंद्रह पंद्रह सेट्स हैं तो बहुत सारे मॉक टेस्ट बेटा आप पा सकते हैं बहुत सारी अः सिलेक्शन के चांसेस आप अपने ब्राइट कर सकते हैं अगर आप इस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं इसमें एनरोल कैसे करना है? मैं एक बार आपको फटाफट से बता देती हूँ बेटा आप अंडर ट्वेंटी फोर सेवन पे जैसे ही क्लिक करते हैं ऑल कोर्सेज में जाइएगा अगर आप यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स पे क्लिक करते हैं सीयूटी यूजी पे जाइएगा सीयूटी साइंस पे जाते हैं तो बेटा इसको कर लीजिएगा स्क्रॉल अब यहाँ पे देखिए सब प्रोडक्ट्स पे बेटा आपको जो है वो भारी छूट मिल रहा है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट का ऑफ लग चुका है यहाँ पर आप इस टेस्ट सीरीज पे जाकर बेटा अगर कोड लगाते हैं इफ यू अप्लाई हेयर है ना बाय नाउ पे क्लिक करते हैं आप बेटा बाय नाउ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको कोड लगाना पड़ेगा ए के फिफ्टी लगा सकते हैं आप या फिर आप वाई फाई फोर नाइन एस लगा सकते हैं बेटा टेस्ट सीरीज बुक्स के लिए आपको वाई फाई फोर नाइन वाई फोर नाइन एस या फिर ए के फिफ्टी कोड जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा अदरवाइज बेटा आपको जो बैचेज uh, हैं उसके ऊपर आप, लगा है है, आप, आप लगाते हैं तो इसके ऊपर जो प्राइजेस है वो ऑल डाउन हो जाएगी ठीक है so, सो बेटा सारी ये जितनी भी टेस्ट सीरीज है इनके ऊपर आपको भारी छूट मिल रहा है अब अगर मैं बात करती हूँ लेटमी टॉक अबाउट सम बैच बेटा क्योंकि ये प्रैक्टिस तो मिल ही रही है आपको ठीक है इसके साथ साथ इफ यू वॉन्ट की आप जो है बैच्समैन रोल करना चाहते थे बट आपके पास उस टाइम पर है ना फाइनेंशियल इश्यूज थे या कुछ भी यू फेसिंग तो बेटा पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो एम प्लस प्रैक्टिस बैच था या हमारा एम uh, का जो सिंपल क्रैश कोर्स का बैच था जिसमें हमने पढ़ाया भी और प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं इन सब के ऊपर बेटा भारी छूट लग चुकी है अगर आप इन बैचेस पे भी जाकर बेटा बाय नाउ पे क्लिक करते हैं ठीक है इफ यू क्लिक ऑन बाय नाउ ऑप्शन उसके ऊपर पचास परसेंट का आपको ऑफ मिल चुका है एंड वन थाउजेंड से यू आर गेडिंग ऑल द स्टाफ जो जो मैंने अभी आपको टेस्ट सीरीज बोली थी प्लस आपको हमारी लाइव क्लासेस भी मिल रही होंगी तो बेटा ये पंद्रह दिन भी अगर अगर आप इन पंद्रह दिन में भी डिसीजन ले लेते हैं अपनी सिलेक्शन के लिए तो भी आप सिलेक्शन पा जाएंगे ट्रस्ट मी मार्क माई वर्ड बेटा दिस इज गोइंग टू बी योर सिलेक्शन पहले नहीं देरी हुई कोई बात नहीं बट आज इसमें आप आते हैं तब भी आप जो है बाजी पलट सकते हैं अपनी सो so, बेटा आपको याद रखना है कि ये है आपका खुशियों का चाबी ये है आपका सिलेक्शन uh, का चाबी अगर आप इस कोर्स में आते हैं तो आपको मैक्सिमम ऑफ मिल रहा होगा वाई फाई फोर नाइन कोड के साथ और साथ ही साथ आप हमारी जैसी टीम के साथ जिसमें uh, सारे टीचर्स चाहे सेक्शन ए बी सी कोई भी बात करें हम तो डिटेल में हम पढ़ा रहे होंगे आपको और बेटा कुछ भी आपको फर्दर किसी भी और प्रोडक्ट पे ऑफ चाहिए तो आप जो है रेस्पेक्टिव कोर्ट को यूज कीजिए आप अगर किसी बैच्समैन रोल करना चाहते हैं तो आप वाई फाई फोर नाइन कोड के साथ कर सकते हैं अगर आप किसी टेस्ट सीरीज में या फिर आप फिफ्टी परसेंट ए के फिफ्टी से भी जा सकते हैं इफ दिस इज नॉट एप्लीकेबल ए के फिफ्टी अगर एप्लीकेबल नहीं है वैसे तो हो जाएगा तो बेटा वाई फाई फोर नाइन तो हमेशा एप्लीकेबल है ही है वो तो पचास परसेंट का आपको ऑफ देगा ही देगा ठीक है तो मैं ये बोलूंगी कि यहाँ पर अपर का ये जो शेड्यूल है इसके हिसाब से बेटा प्रैक्टिस करो क्योंकि अगर इसके हिसाब से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अल्टीमेटली इस टाइम ड्यूरेशन में आप अगर प्रैक्टिस नहीं लगा रहे हो तो इस टाइम पर बेटा आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाओगे और सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे कम तो ड्रेस कोड के रिलेटेड एग्जाम गाइडलाइंस के रिलेटेड पेपर जो ऑफलाइन होने वाले हैं बेटा आपके पास अगर हम बात करें आपका जो स्कोर आता है और आता है अब स्कोर के बेसिस पर आपकी जो है एडमिशन होंगी ये सब इंपॉर्टेंट चीजें बेटा आपको पता होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ पेपर देने से सिलेक्शन नहीं हो जाता आपको आफ्टर प्रोसेस एंड जो प्रोसेस चल रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए तो इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करके रखें बेलाइकन को प्रेस करके रखें वी आर ऑलवेज